छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा पर घमासान मच गया है। बड़ी खबर, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा पर घमासान मचा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट कर बीसीसी चीफ कमलनाथ को उन्होंने जमकर घेरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, शास्त्री की आरती उतारने पर सवाल उठाए गए हैं। तो प्रमोद कृष्णम का ट्वीट सामने आया, ट्वीट कर बीसीसी चीफ कमलनाथ को उन्होंने घेरा है। शास्त्री की आरती उतारने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी स्टार प्रचारक की आरती उतारना शोभा नहीं देता, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा। प्यास हो रही होगी गांधी की आत्मा, आज दुख पहुंच रहा होगा गांधी की आत्मा को, तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, सेक्युलरिज्म के वज वाहक सब खामोश है। राहुल प्रियंका गांधी को ट्वीट कर टैग किया गया। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी स्टार प्रचारक की आरती उतारना शोभा नहीं देता, आज रो रही होगी गांधी की आत्मा, तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, सेक्युलरिज्म के ध्वज वाहक सब खामोश हैं। राहुल प्रियंका गांधी को ट्वीट टैग कर दिया है प्रमोद कृष्णम में। बड़ी खबर आपको बता दें, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है छिंदवाड़ा में, बड़ा आयोजन हो रहा है। बीजेपी चीफ कमलनाथ नेतृत्व कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। और अब इस बीच आपको बता दें, शास्त्री की आरती रस्सी उतारी श्री कमलनाथ ने, उससे लेकर अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा, प्रमोद कृष्णम ने ये ट्वीट किया है। ये भी कहा कि तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, जिस तरह से सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक अब सब खामोश हैं। राहुल प्रियंका गांधी को भी ये ट्वीट उन्होंने टैग कर दिया है। तो अब घमासान छिड़ा हुआ है, सियासत तेज हो गई है। अभी तक आपको याद ही होगा कि बीजेपी के जो तमाम दिग्गज थे लगातार कथा करवा रहे थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन अब जैसे ही कांग्रेस के नेता पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में रामकथा का आयोजन करवाया है, और जैसे ही पहुंचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, तस्वीरें भी सामने आई, बाकायदा उन्होंने तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी, और अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि प्रमोद कृष्णन ने ये ट्वीट जो है वो टैग कर दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को। कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम और अपनी ही पार्टी के पीसीसी चीफ कमलनाथ को उन्होंने घेरा है, और ये भी कह दिया कि शास्त्री जी की आरती उतारने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बीजेपी स्टार प्रचारक की आरती उतारना शोभा नहीं देता है, आज गांधी की आत्मा रो रही है, पंडित नेहरू और भगत सिंह तड़प रहे होंगे, सेक्युलरिज्म के ध्वज वाहक अब सब खामोश हैं। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा चल रही है छिंदवाड़ा में, वृहद स्तर पर आयोजन किया गया है, तमाम श्रद्धालु वहां धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी हैं, और जैसे ही सुर्खियों में आते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, नकुलनाथ भी आप देख रहे हैं, उनके बेटे आरती उतारते हैं, उन्हें माला पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, उनका भव्य स्वागत किया जाता है, और रामकथा ये जो चल रही है उससे लेकर अब सियासत तेज हो गई। इसके पहले भी आपको याद होगा लगातार सियासत तेज रही है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर यही देखा गया कि बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं, चाहे वो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का वाचन हो या फिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा का वाचन हो, जगह जगह करवाते नजर आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी कथा का आयोजन होता रहा है। लेकिन जैसे ही छिंदवाड़ा में कथा का आयोजन हुआ बड़े स्तर पर, तस्वीरें सामने आई हैं, और अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ये भी आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर कि वे धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, क्योंकि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ वृहद स्तर पर छिंदवाड़ा में, और ये कथा का आयोजन शुरू हो चुका है शनिवार से, और जैसे ही कथा का आयोजन शुरू हुआ उसके बाद आपने ये तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें वायरल हुई हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, जब उन्हें तिलक लगाया गया, बाकायदा माला पहनाई गई और उनकी आरती भी उतारी गई। क्योंकि अभी तक यही देखा गया है, जब भी कथावाचक मंच पर बैठते हैं इसके बाद आरती होती है, लेकिन यहाँ वो रामायण या फिर जो दिव्य काव्य होते हैं उनका, उनकी आरती उतारी जाती है, लेकिन जब
तस्वीरें सामने आई हैं, किसी खुशी कमलनाथ की, उनके बेटे नकुलनाथ की, क्योंकि यही करवा रहे थे कथा। और अब सुर्खियों में भी गिर गए हैं, सियासत जी से लेकर तेज हो गई है। आरती उतारने को लेकर अब कई तरह के सवाल कई नेता ने उठा दिए हैं। प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर दिया है और ये लिख दिया है और टैग भी कर दिया है प्रियंका गांधी राहुल गांधी को। ये कहा कि तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, और महात्मा गांधी की आत्मा रो रही है। सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक सब खामोश हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना शोभा नहीं देता।